हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। अभी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020, जो कि आपका 13 अप्रैल 2021 को हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैंने वो कैब जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने वो कैब के काफी जो इंपॉर्टेंट आपके मुझे मतलब जो उस टाइम पे डिफिकल्ट लगते थे, आपकी ब्लैक बुक हुई, उसके बाद आपकी केडी कैंपस की जो बुक है उनमें से, प्लस आपकी एसपी बक्सी है या फिर एमबी पब्लिकेशन के, जो मुझे वर्ड डिफिकल्ट लगते थे तो उसके लिए मैंने कॉपी बनाई थी। तो मैं उस कॉपी में लिख लेता था जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगते थे। तो आप उसकी जो पीडीएफ है वो अभी लगभग 4 से 5 पार्ट में आएगी, क्योंकि पीडीएफ काफी बड़ी है तो साइज काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कॉपी को स्कैन करके, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। देखो ये आपका जो है ये प्रोडक्शन है और ये आपका एक्सपोर्ट है। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सुगर इन 14 से 18, यानी ये सुगर की प्रोडक्शन है आपकी। देखो ये 14 में दे रखा है और ये आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19 में, यानी ये प्रोडक्शन और ये एक्सपोर्ट है। 280 प्रोडक्शन थी तो 200 एक्सपोर्ट थी, यानी बाहर भेजी थी, यानी 280 की फसल हुई, 200 बाहर भेज दी। बताना है टोटल प्रोडक्शन सुगर इन 14। देखो 2014 एंड 18 प्रोडक्शन, देखो 2014 में क्या है 280, 2018 में क्या है 440, यानी इनको जोड़ेंगे तो आपका ये आ गया 720। रेशो टोटल एक्सपोर्ट इन 15 एंड 19, यानी 15 में एक्सपोर्ट 220 है और 19 में 380 है, यानी ये आपका आ गया 600। तो काट दो इसको, 12 6 72 12 5 60, यानी आंसर आ गया 6:5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 71। देखो ये एचएफ एलसीएम के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, यहाँ से दो आपसे पूछता है भाई आपका, पहले तो लिस्ट नंबर पूछेगा, एक आपका जो आपका पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, मतलब मैक्सिमम आपका नंबर क्या है इतने डिजिट का जो इससे डिविजिबल हो। लिस्ट वाले केस में क्या करते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। भाई यदि आपसे पूछे भाई 3 डिजिट का सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जो आपकी 12 से डिविजिबल हो, हम क्या करते हैं, देखो 100 है, यानी 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। भाई 100 को मैं 12 से भाग कर दूं, 12 ये 12 से भाग किया तो मैं गया 12 8 96 पे, कितना बच गया। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा हमने लिया था 100 प्लस इन दोनों का डिफरेंस यानी 12 माइनस 4, इसमें जोड़ दूंगा तो आपका आ जाएगा 100 जमा 8, यानी 108, और 12 निमा 108 होते हैं। यानी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटी संख्या ले लो और जो शेष होगा वो आपका, जैसे ये है यानी भाजक भागफल और आपका एक शेषफल, तो भाजक में से शेषफल आप घटा दो, भाजक ही होता है ना जो भाग देने वाला है, या भाज्य बोलते हैं उसको, मतलब देख लेना जो भी है। देखो ये कह रहा है व्हाट इज द 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था तो 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब 71 से डिविजिबल है तो 71 से डिवाइड कर दो, देखो 71 1 71 9 और आपका ये बच गया 290। अब 4 पे गया 284 बच गया 6 0, फिर आपका 0 पे गया 1 0 और, तो अब ये गया 8 पे 8 8 56, यानी 2 और 32, ये आपका आ गया, यानी शेषफल 32 बच गया। तो अब मैंने क्या बताया था, जो आपका 6 डिजिट की संख्या थी इसमें क्या जुड़ेगा, 71 माइनस 32 घटाएंगे 39 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। या फिर देखो यहाँ पे तो आपको 71 दे रखा है, अब यहाँ पे मान लो इसकी जगह कोई और नंबर दिया होता है, जैसे मान लो 35 दे देता वो, तो 35 आपको पता है, या फिर 40 है तो आपको पता है कि 8 और 5 का मल्टीपल है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आप ऑप्शन में जाते और सबसे छोटे संख्या से स्टार्ट करते, भाई सबसे छोटी संख्या क्या है जो उनका मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 71 दे दिया इसलिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज PQR इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, यानी एक वृत्त है उसमें त्रिभुज PQR है, PO इज प्रोड्यूस्ड विद O, यानी O यहां पे है मान लो, O को थोड़ा यहां मान लो, देखो PO को बढ़ाया गया यानी ये O है, PO इज प्रोड्यूस्ड टू मीट QR एट U, यानी QR O के नीचे है तभी वो उसको बढ़ाने पे आगे मिलेगी, और S1 या S सर्कल पे मिल रही है। अब PT यानी P से एक T है, ये 90 डिग्री आपका, T lies between Q and U, ये भी सही कंडीशन फॉलो कर रहा है, Q एंगल 70 है, देखो ये हमारा 70 है, R 55 है, ये आपका 55 है, तो आपको बताना है क्या TPS, यानी ये हमारा T है तो TPS, देखो ये एंगल बताना आपको कितना होगा। अब यदि मैं इसको यहां पे मिला दूं, ये देखो मैंने इसको यहां से मिला दिया, अब मुझे ये बताओ भाई जो ट्रायंगल है, देखो ये आपकी एक जीवा है, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया आपका और एक एंगल आपका सर्कल पे बनाया, तो ये यदि थीटा है तो ये 2 थीटा होता है,
यानी ये 55 है तो ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। और क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपका ये जो एंगल है और वो ये एंगल है वो सारा बराबर होंगे, यानी 70-70 हो गए। तो 110, क्योंकि 180 में से आप 110 गया, 70 बच गए और बराबर बराबर है, तो 35 का ये हो गया और 35 डिग्री का ये हो गया। अब मुझे बताओ, जो ये ट्रायंगल गिवन थी आपको स्टार्टिंग में, ये थी, ये 90 गिवन है, ये आपका 70 था, तो ये कितना बच गया? आप कहेंगे ये वाला आपका 20 बच गया, यानी जो ये वाला एंगल है ये 20 आ गया। देखो ये सारा 35 है, ये 20 बच गया, तो ये कितना बच गया? आपका बच गया 10 डिग्री, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये वैल्यू कह रहा है तो आपको बताना है इसका मान। देखो अभी मैंने सीजीएल का पेपर करवाया था तो उसमें यही क्वेश्चन था, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है ए जमा बी जमा सी स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी जमा बी सी जमा सी ए। देखो ये आपको दे रखा है, इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, यानी ये 185 है, ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको 25 आ गया माइनस 3 ऑफ, इसका मान मान लो के है, देखो 5 पे गया, 37 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 ऑफ के, यानी माइनस 3 ऑफ के इज इक्वल टू आपका आ गया 12 और के आ गया माइनस 4, और माइनस 4 किसी के बीच में लाई करता है, वो आपका लाई करता है माइनस 3 और माइनस 7 के। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एसएम ऑफ इतना पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ, यानी आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी 99,000 गुणा 25/2 गुणा, देखो ये पर एनम है और ये मंथ है, तो मंथ को बनाएंगे बटे 12/2। अब यहाँ पे देखो इसको काट लो, इससे ये गया, अब 3 × 12 3 × 3 9। अब देखो हमारे पास आ गया 99 × 25 × 3/2, अब नहीं कट रहा है। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनकी गुणा करके 8 से डिवाइड कर दो, या फिर हमारे पास जो रामबाण हथियार है वो हमारा डिजिट सम है। अब ये देखो किसी भी दो उसमें डिजिट सम सेम बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 9 काट दो 5 × 2 7 9 काट दो 8 बच गया डिजिट सम, 8 × 9 काट दो 9 काट दो 5 × 2 7 2 9 बच गया, 9 काट दो 5 × 2 7 2 9 काट दो 8 × 2 10 1 बच गया, 9 काट दो 9 काट दो 7 बच गया, यानी डिजिट सम आपका सब में अलग अलग है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो भाई आपका 9 और 9 आ गया, यानी इतना देखते ही मैं लगा दूंगा इस पे, क्योंकि 9 और 9 18 है, 9 9 8 1 9, यानी 9 यानी इनका डिजिट सम 9 आएगा, और 9 के डिजिट सम को किसी की संख्या से गुणा करूंगा तो उनका डिजिट सम हमेशा 9 आएगा, तो इतना देखते ही मैंने 9 पे टिक कर दिया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक बैग में व्हाइट मोबाइल कवर और ब्लैक मोबाइल कवर है, इनके रेशो 4:7 है। अब 280 ब्लैक है, यानी 7 की वैल्यू 280 है, 1 की वैल्यू 40 है और 4 की वैल्यू 160, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, टर्नओवर 5 ऑटोमोबाइल दे रखी है भाई, सेल्स टर्नओवर है और आपके ए बी सी डी ई है, और ये 14-15 में है, ये 15-16 में टर्नओवर है। अब आपसे पूछ के रखा है भाई व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनी कंबाइंड इन 15-16, यानी 15-16 में ये वाला मोर देन द एवरेज सेल टर्नओवर कंपनी ए सी ई इन 14-15, यानी ए सी ई ये वाला और ये वाला, यानी देखो 1 2 3 4 5 5 को जोड़ के 5 से भाग, फिर 1 2 3 इनको जोड़ के 3 से भाग, फिर वो उससे कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, नियरली होल नंबर यानी वैल्यू पॉइंट में आएगी और उसका नियरेस्ट आंसर है, यानी डिजिट हम नहीं लगा सकते, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा। तो जो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में भेजेगा उसको एक पीडीएफ मिलेगी, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है 3u + 2v = 7 u = 2। देखो इस क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, ये आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि इसके आंसर 2 पॉसिबल है प्लस माइनस 1, कैसे वो देखो भाई, 3u + 2v है। अब आपको पता होगा भाई u की जगह यदि मैं 1 रख दूं, v की जगह 2 रख दूं, देखो 3 × 4 = 7 और 2 × 1 = 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे रखो ये 3 − 4 − 1 आ रहा है, तो यानी माइनस 1 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो क्योंकि देखो आंसर आपके ऐसे होने चाहिए भाई जो सब उसको सेटिस्फाई करें, तो माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो जो एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे करवाना चाह रहा आपसे वो देखो भाई, 3u को यदि मैं a मान लूँ, 2v को b मान लूँ, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, a + b² - a - b² ये होता है 4a, ये पता है। देखो अब a की जगह 3u है और b की जगह 2v है, और आपको निकालना क्या चाह रहा है, a - b निकालना चाह रहा है। देखो a + b² क्या दे रखा है, 49 माइनस a - b आपको निकालना है, 4ab, a क्या आपका 3u, b क्या है 2v, तो यानी देखो ये उस साइड गया तो 49 माइनस देखो 4 × 3 = 12 और 12 × 24 यू वी, और यू वी की वैल्यू 2 है तो 24 × 48 इज इक्वल टू a - b². अब ये 1 बच गया a - b², तो यहाँ से a - b की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ सकती है, तो यानी +1 भी हो सकती है और -1 भी, तो एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा है।
हालांकि उसको दोनों ऑप्शन देने चाहिए ताकि कोई वैल्यू पुट भी कर सके, क्योंकि यदि कोई इक्वेशन दे रखी है ना कोई कंडीशन दे रखी है भाई, ए की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या तो वो कंडीशन दे भाई इसकी वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती या प्लस वन नहीं हो सकती, जो भी कंडीशन सेट करे। ठीक है, बाई सेलिंग 92 केजी ऑफ वीट यानी 92 किलोग्राम एक आदमी ने आपका गेहूं बेच दिया और उसको लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 केजी के। देखो भाई 92 किलोग्राम उसने बेचा है तो 92 किलोग्राम खरीदा भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई एक किलो का एसपी एसपी मान लिया, सीपी सीपी मान लिया, तो 92 का एसपी 92 इंटू एसपी हो गया। देखो बेचा है जब उसने तो लाभ हो रहा है, तो 92 का सीपी यानी यहाँ जो खर्चा था उसमें से एक खर्चा घटा दूंगा तो आपका क्या रहा है 12 का एसपी के बराबर, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू 12 सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो अब यहाँ पे आ गया कि आपका 80 ऑफ एसपी हो गया इज इक्वल टू 92 ऑफ सीपी, यहाँ से सीपी बाई एसपी आ गया 80 बटे 92। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, देखो कितना बड़ा 12 किस पे 80 पे गुणा 100, अब 20 चौके 80 20 पंजे 100 चार 12 और 5 15। नेक्स्ट है ये कह रहा है कोट थीटा इसके बराबर है तो कोसिकेंट थीटा इंटू सिकेंट थीटा का मान बताओ। कोट थीटा ये थीटा है तो कोट थीटा होता है इसके बटे एक, ये कैसे निकलेगा यानी इसका स्क्वेयर जमा इसका स्क्वेयर, देखो रूट टू प्लस वन का स्क्वेयर ये आपका आ जाएगा 2+1 प्लस 2√2 प्लस इसका स्क्वेयर 1 है यानी 2+3=4 4+2√2 और इसका अंडर रूट आ गया। अब आपको निकालना है कोसिकेंट थीटा तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 4+2√2 का अंडर रूट इनटू सिकेंट थीटा भी क्या होता है 4+2√2/1। देखो अब ये अंडर रूट है ये गुणा होके अंडर रूट कट जाएगा आपका तो ऊपर बचेगा 4+2√2 तो मैं यदि 2 कॉमन ले लूं तो 2+√2 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा √2/1। अब √2 फिर कॉमन आ रहा है यानी आपका बच जाएगा √2+1/√2+1 इससे ये गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2। नेक्स्ट है ये कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 372 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना इतना, अब डिस्काउंट बताना है कितना है। देखो भाई 372 आपका क्या है ये आपका विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, एक आर्टिकल को 372 बेचा गया और छूट दी गई है दो क्या 25% और 38% की अंकित मूल्य पर, छूट बताओ कितनी है। देखो यदि मैं अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो छूट आ जाएगी यानी सेलिंग प्राइस इतना है तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा, देखो 372 है अब छूट 25% की दी थी, 25% का मतलब है कि वो वैल्यू 75% पे बिकी है भाई 25 की छूट दे दी तो एक्स का 75% इतना, तो यानी कहने का मतलब है भाई 75 की वैल्यू इतनी थी 100 की कितनी होगी निकालनी है क्योंकि ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है। अब आपको देखो 38% की छूट दी गई थी यानी आपका ये आ गया 62 गुणा 100, अब सोल्व कर लो देखो 25 या 75 25 चौके 100, अब 62 कितने में जाएगा 6 पे जा रहा है 6 12 36 37 37 यानी ये 6 पे गया, अब 3 2 6 और ये आ गया 800 यानी 800 अंकित मूल्य था उसकी चीज आपको 372 में बेची है तो अंतर कितना आ गया देखो 10 में से 2 गया 8 तो एक ही ऑप्शन है ये हमारा आंसर, ये आप डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये कह रहा है भाई ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम 24 आ गया 6 चौका 24 8 3 24, उन्होंने 3 दिन काम किया कितना काम करेंगे 21, इसमें से 21 घटा दो बस क्या काम 3। अब ये कह रहा है सी ने 2 दिन में काम किया है तो सी का 1 दिन का काम कितना आ गया, भाई सी ने 2 दिन में 3 काम किया है 1 दिन में कितना करेगा 3/2 काम। अब कह रहा है बी और सी मिलकर, देखो बी का 1 दिन का काम 3 है सी का 3/2 है तो 1 दिन में दोनों का काम कितना हो गया ये हो गया 9/2 यानी ये दोनों मिलकर 3/4 ऑफ सेम वर्क टोटल वर्क 24 है इसका 3/4 कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर यानी 2 पर चला जाएगा 9 है, देखो 3 3 9 और 3 चौके 12 2 24 और 2 2 4। नेक्स्ट है देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है आपको, देखो इसके लिए आपको चाहिए x+1/2x या x-1/2x। अब ये हम इस इक्वेशन से कैसे डिराइव कर सकते हैं, सबसे पहले 2x से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपका बचेगा x, 1 को इस साइड ले आओ ये 1/2x और इस साइड बचेगा। अब देखो इसका स्क्वेयर है यानी इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वेयर + 2 ab x(1/2x) इससे ये गया इससे ये गया यानी 3 9+1 10 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है 5 sin²θ = 3 इतना 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 इसकी वैल्यू बतानी, देखो मुझे बताओ भाई कोसिकेंट और कोट को यदि मैं जोड़ दूंगा यानी थीटा की कोई भी वैल्यू हो तो वो √3√2 यानी इसकी फॉर्म में आएगा आंसर हमारा या फिर 1 की फॉर्म में आ सकता है या फिर कुछ, तो मुझे बता देखो ऑप्शन इन्होंने थोड़े अजीब से दे रखे हैं, कहने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो परफेक्ट एंगल होता है वो नहीं होगी, ऑप्शन से क्लियर है यानी हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो 5 sin²θ इसके बराबर है, अब sin²θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 cos²θ इज इक्वल टू 3 1+cos θ। अब यहाँ से देखो a+b a-b यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 1+cos θ और 1-cos θ इज इक्वल टू 3 1+, देखो इससे ये गया, अब 5-5 cos θ इज इक्वल टू 3 बच गया। अब यहाँ से देखो
यानी इस साइड आ गया 2/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, ये आपकी ट्रायंगल है, देखो ये थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा इसके बटे ये, अब 25 - 4 ये आपका आ गया √21। अब देखो ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा होगा 5/√21 प्लस कोट थीटा, ये होगा 2/√21 यानी 7/√21। अब देखो √21 को लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा, देखो सबसे पहले 7 को लिख सकता हूँ √7 गुणा √7, अब √21 को √7 गुणा √3, इससे ये कट गया और √7/√3 आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है ABCD दो कोर्ड है आपकी सर्कल की जो आपके अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यानी ये ए बी है और ये आपकी सी डी है, ई पर आपकी कट रही है ये ई है, बी ई सी गिवन आपको, यानी ये गिवन है 125, ई बी डी ये आपको गिवन है, आपको बताना है बी ए सी, देखो इसको मिला दो, ये हमें बताना है। अब मुझे बताओ देखो ये कोड है, इस कोड से आपका ये एंगल बना है और इसी कोड से आपका ये एंगल बना है, तो यदि मुझे ये पता होगा और ये इसके बराबर होगा, और इस ट्रायंगल में देखो आपका ये बाह्य किसी ट्रायंगल की साइड को मैं आगे बढ़ा दूंगा, और जो आपका जो कोण बनेगा वो आंतरिक, जो अपोजिट में दो कोण होंगे, जैसे ये ट्रायंगल है ये आपका अल्फा ये थीटा है, तो जो यहाँ एंगल बनेगा वो अल्फा प्लस थीटा बनेगा। अब देखो ये 125 है बाहर वाला, ये 28 है, तो इसका जोड़ क्या होगा 125 - 28 यानी 97 डिग्री। नेक्स्ट है ये कह रहा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू AB यानी AB ये लो ABC क्योंकि DE इसके पैरेलल है, जब भी ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल होगा तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे हमेशा, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरा देखो अब DE इस पे है, AC पे है D, हाँ ये हो गया, F इज द पॉइंट बिटवीन C एंड D यानी F आपका बिंदु यहाँ है, सच दैट EF यानी जो ये EF है ये पैरेलल है BD, देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में आपकी जो ट्रायंगल बनती है वो हमेशा सिमिलर बनती है, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, यानी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब AD यानी ये 15 दे रखा है और DC 10 है यानी ये आपका 10 है, और यदि मैं टोटल की बात करूंगा तो आपका ये 25 हो गया। अब मैं बात करूं बड़ी ट्रायंगल में, देखो सिर्फ इतनी ट्रायंगल है, ए यहाँ है, बी यहाँ, सी यहाँ, देखो ये 10 है, ये आपका 25 है, तो इसमें भी ये 10 होगा और ये 25 होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल ये आपकी पैरेलल लाइन है तो आपकी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, तो यानी देखो ये 10/25 यानी 2:5 में होगा, तो ये भी आपका 2:5 में होगा, यानी देखो ये 2 होगा तो ये सारा कितना होगा 5 हो गया। अब बात करो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल में, चलो अब इस ट्रायंगल में ये लाइन आपकी पैरेलल है और ये आपको पता है कि ये छोटी साइड 2 है तो बड़ी साइड पूरी 5 है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में यानी ये एफ है तो आपका सी एफ ई सिमिलर हो जाएगा सी डी बी के, भाई सिमिलर हो गया तो साइड के रेशो प्रोपोर्शन हो गया, देखो इसमें इसकी साइड बटे टोटल बड़ी साइड, इसमें छोटी साइड यानी सी एफ बटे बड़ी साइड सी डी। अब देखो ये 2:5 है तो ये भी 2:5 होगी, और आपको पता है कि ये 2 है तो यहाँ से यहाँ 5 होगी, और जो आपकी पूरी वैल्यू दे रखी है वो 10 है, यानी 5 का मान आपका 10 के बराबर है, 1 का 2 आ गया और 2 का 4 आ गया, तो यानी 4 आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज में लगानी है, यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है सिमिलरिटी आती है तो आप सीधा ये देखोगे बिना कुछ करे, भाई ये इसके पहले है तो इसके बटे ये 2:5 है, इसमें भी 2:5 बढ़ेगी, 5 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 4, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ये कह रहा है भाई द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन 4, 5, 6, 7 वो इतने हैं, यानी जो औसत है आपके वो 4, 5, 6, 7 में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचे गए हैं, यानी 2004, 2005, 2006, 2007 वो है 18,950, ये औसत है, यदि बात करें टोटल की तो गुणा 4 कर दूंगा मैं, अब 2005, 2006, 2007, 2008 इनका औसत है वो है 21,725, टोटल की बात करें गुणा 4 कर दूंगा। अब 2008 में 12,750 हैं तो 2004 में बताओ, देखो सबसे पहले डिजिट सम हमारा कॉन्सेप्ट है, जोड़ के देखो क्या सबका अलग है डिजिट सम, 6, 5, 11, 1, 12, 3, 7, 1, 8, 6, 1, 7, 10, 11, 2 इसमें कितने सेकंड लगे मुझे, 4 से 5 जोड़ के देख लो सब अलग अलग है, हो गया सोलह हमारा क्वेश्चन। देखो क्या होगा यदि मैं सेकंड में से फर्स्ट घटा दूंगा, भाई ये इनका जोड़ा जाएगा इनका ये जोड़ा जाएगा, फर्स्ट इसमें से घटा दूंगा, देखो 5, 5, 6, 6 यानी जो कॉमन है वो घट जाएगा, अब बचेगा आपका 2008 -2004 की वैल्यू है इज इक्वल टू वो डिजिट सम घटा दो आप, देखो डिजिट सम कैसे 7 और 2, 9, देखो 9 घटा दो 5, 2, 7 और 1, 8, 8 चौके 32, 3 और 2, 5 आ गया, माइनस यहाँ पे देखो 9 काट दो, अब 8, 1, 9 काट दो, 5 चौके 20 यानी 2 बच गया। अब यहाँ पे देखो 2008 7 और 2, 9, 5 और 1, 6
यानी 2004 की कोई वैल्यू है, डिजिट सम 3 है। अब 6 में से क्या घटाऊं कि 3 आए, तो आप कहेंगे 3 घटाओ भाई, जो आंसर होगा उसकी डिजिट सम 3 होगी, तो 3 एक ही ऑप्शन में है, वो आपका आंसर है। पहला मेथड तो ये है। अब कई इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो बेसिक देखो क्या होगा। देखो बेसिक वही है भाई, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा इंटू 4। देखो क्या करेंगे हम, इसकी गुणा देखो 4 तो हमारा कॉमन है ही, गुणा इसकी गुणा करेंगे यानी 5, सॉरी इसमें से घटाएंगे। देखो 5, 12 में से 5 गया 7, और 16 में से 9 गया 7, फिर आपका बच गया 10 में से 8 गया 2, यानी ये आ गया। अब इसको देखो गुणा करो, 5 चौके 20, 7 चौके 28, और 2 30, और 7 चौके 28, और 3 31, और 8 3 11, यानी 11,100 आ गया, और ये आपकी 12,750 है। तो यानी इसमें से ये घटाया तो आपका बचेगा 2008 माइनस 2004 इज इक्वल टू 11,100। अब इसकी वैल्यू 12,750 है, तो 12,750 में से 11,100 घटा दूंगा मैं, देखो कितना बचेगा 0561, 1650 आपका आंसर है। तो यानी ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो। देखो डिजिट सम की प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ यदि 5 क्वेश्चन भी आप इसे सोल्व कर पाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, देख एक रोमबस है, यानी रोमबस होता है आपका सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा पहला डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण भाई, प्रीमाप है वो रोमबस का 148 है, तो प्रीमाप चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपकी एक भुजा कितनी आ गई, अब कहोगे भाई देखो 4 3 12 और 4 7 28, यानी एक भुजा 37 आ गई, ये 37 है। अब एक डायगनल 24 का है, तो डायगनल आपके क्या होते हैं बाइफर्केट, यानी दो बराबर भागों में तोड़ता है एक डायगनल दूसरे डायगनल को। देखो ये यदि 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब आपको ट्रिपलेट पता है, ये 90 डिग्री है, 12 35 और 37 का हो जाएगा, यानी ये 35 हो गया और पूरा डायगनल आपका हो जाएगा, फिर ये 35 का बच गया, क्योंकि डायगनल आपके एक दूसरे को समझ भाजक होते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। तो 1/2 गुणा पहला डायगनल 24 है और दूसरा आपका 70 है, तो 2 पे 12 गया और 12 7 84, ये आपका आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है, अशोक ने अपनी जो जर्नी है वो 7 घंटे में कंप्लीट की। अब पहला हाफ वो 24 की स्पीड से गया और दूसरा हाफ 32 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस बताओ। देखो जब भी आपको टोटल टाइम दे रखा और दूरी बराबर दे रखी हो, पहला हाफ दूसरा हाफ या किलोमीटर दे दे, इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस होती है आपको वो होती है 2 × S1 × S2 / S1 + S2 × टाइम रख दो। देखो 2 × S1 24 गुणा 32 बटे 24 और 32 आपका आ गया 56 गुणा 7 56, 8 चौके 32, अब चौके चौके 24 चौके 96 और 96 दूनी 192 आपका आंसर। नेक्स्ट है ये देखो, ये दे रखा है कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बाई, देखो आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल पता होगा, वो क्या कहता है भाई, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो तो ए बाई बी, यानी एक बार ऊपर जोड़ दो एक बार घटा दो, वो आपका हो जाएगा सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ऐसा ही देखो कोसेकेंट थीटा बाई कोट थीटा, ये आपका हो जाएगा नीचे 7 के कुछ नहीं है तो एक ले लो, 7 और 8 7 में से 6, यानी 4/3। अब देखो कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin और कोट थीटा होता है कोस बाई साइन, यानी साइन से साइन करके 1/cos थीटा, यानी सेकेंट थीटा आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/3। देखो सेकेंट थीटा क्या होता है, ये 4 है ये 3 है, अब 4 × 16 - 9 यानी √7। देखो 4 × sin² थीटा तो साइन स्क्वेयर थीटा आपका हो गया, यानी साइन क्या होगा इसके बटे ये 7/16 प्लस 5। नेक्स्ट है बटे क्या है, 4 × sin² थीटा - 1 7/16 - 1। देखो अब ये कट गया, इसे ये कट गया, अब ये आपका आ गया 27/4 और नीचे आ गया आपका 7 4 गया 3/4, 4 से 4 कट गया और 3 × 27 आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है प्रीमा बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ये 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री मेकिंग है साइड, जो 90 डिग्री बना रही है यानी एक त्रिभुज है, वो आपकी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है, तो जो साइड 90 बना रही है वो 20√3 है 15√3 है। मुझे बताओ 20 और 15 आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ट्रिपलेट ही रहता है, तो 15 20 और ये 25 आ जाएगा, और ट्रिपलेट और जिससे गुणा किया उसको उसे गुणा कर दो। अब आपको बताना प्रीमा, आप देखो 15 और 20 35 35 और 25 60, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा पाई चार्ट गिवन आपको, 300 स्टूडेंट हैं। अब टेबल आपको मतलब बैंकिंग स्टाइल में आपको डीआई दे दिया, तो सीजीएल वाले ध्यान दें, देखो सीएचएसएल का पेपर सीजीएल से मैं बता रहा हूँ टफ आ रहा है। गिवन पाई चार्ट है वो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 300 स्टूडेंट का, यानी 300 आपके ये हैं, फिर लड़के वो इतने हैं। अब सेक्शन ई में रेशो बॉयज एंड गर्ल 4:3, यानी यहाँ पे 4:3 है, आपको बताना है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी,
टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई, यानी बी में कितनी लड़कियां हैं। देखो बी में यानी टोटल स्टूडेंट आपके 300 हैं, यदि मैं बात करूं भाई 100% की वैल्यू 300 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। देखो बिना उसका यूज किए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखो भाई, इसका यूज ही नहीं करना ई का, भाई बी की बात चले। देखो 1% की 3 और 18 की 54, यानी टोटल स्टूडेंट 54 हो गए, लड़के बी में कितने हैं 26 और लड़कियां कितनी आ गई 28। अब जो आपकी रेशो मेंटेन होगी, यानी ये यहाँ आगी, ये कोई रेशो आगी, अब यानी ये रेशो है यदि, या तो ऑप्शन 28 होगा या 28 का कोई फैक्टर होगा भाई, 2 पे कट गए 14 होगा, 4 पे कटेंगे 7 होगा। एक बार ऑप्शन में नजर दौड़ाएं, देखो एक ही ऑप्शन है जो 14 आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कम टाइम है तो लगा के निकल लो, या फिर आपके पास टाइम की भरमार है तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो 1% 3 आ गया, अब ई की बात करें तो 14 की वैल्यू 42 आ जाएगी, यानी यहाँ पे 42 है, लड़के लड़कियां 4:3 में, यानी 7 की वैल्यू 42, 1 की 6, तो ये 24 आ गया और ये 18 आ गया। अब 28:18 यानी 14:9, यहाँ पैसे निकालो सर, अब इसका वैल्यू आपको बतानी है। तो चलो ये लास्ट में करेंगे, पहले 25 क्वेश्चन देखते हैं, आसान है क्या? अच्छा दिया ये भी, देखो कह रहा है ये हेड दे रखे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर इज हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। देखो टोटल देखो 15, 10, 25, 5, 30, 20, 50, 25, 75 और देखो 17, 18, 24 और 25, यानी 100 हो गया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देखो कितना है, 20 है, तो यानी देखो 20 है, ये कह रहा है जो 100 है यानी टोटल एक्सपेंडिचर, वो 20 का कितने गुणा है, 5 गुणा, तो ये आपका आंसर है। अब तो छोटा है वो क्वेश्चन, चलो तो ये आपको बताना है। देखो 8×8=9/8, अब भाग है तो गुणा कर दो, 4/3 उल्टा पलट के लिख दो अपॉन, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ तक है और फिर उसके ऑफ है, यानी सब कुछ नीचे सोल्व होगा। देखो 1/2 × 3/2, अब ये भाग है, देखो इसको सोल्व करो, ये आपका कितना आएगा, 3×2=6/2 − 4×4=5/4, यानी इसको भी आप क्या है 2 से गुणा कर दो, यानी 14/4 − 5/4, ये आपका आ गया 9/4, 14×5=9/4, अब भाग है तो गुणा 4/9, ओफ जो इसके साथ ट्रीटमेंट हुई है वही ऑफ के साथ होगी, तो ऑफ भी उल्टा लिखा जाएगा, −3/4 गुणा 4×8=9/4, यानी 4/9 हो गया। अब ओफ देखो इस ब्रैकेट के साथ ऑफ है और ऑफ का मतलब गुणा होता है, यानी ये ब्रैकेट आपकी और गुणा में 3/4 है, अब इसको सोल्व कर लो, यानी 3×3=9, 4×2=8, ऊपर बच गया आपका 3/2 और नीचे देखो क्या बच गया, 2×2=4 गया, 3×3 गया, यानी नीचे बच गया 4/9 −4×4 गया, इससे ये गया 3 और इससे ये गया, तो यानी वहाँ 1/4 बच गया, ये बच गया 3/4, अच्छा सॉरी ब्रैकेट ये बाहर है, ऐसे नहीं करना क्योंकि ये सभी के ब्रैकेट है, पहले ये सोल्व होगा। देखो यहाँ क्या बचा था आपका, यहाँ बचा था 4/9 और यहाँ पे बच गया आपका 1/3, 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3/9 × 3/4, ये आपका आ गया 3/2 अपॉन, देखो ये आ गया 1/9 × 3/4, यानी 3×3=9, तो 3/2 × ये आपका आ गया 12, तो 2×6=12 और 3×6=18, यानी ये क्वेश्चन क्या है आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है ये बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करने का है, और ये क्वेश्चन यदि टाइम है तो अटेम्प्ट आप करो भाई, आपके पास टाइम बचा हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है जैसे यहाँ पे आपको पता था कि अल्का भी थोड़ी भी मिस्टेक हुई ना तो ये देखो पहले तो टाइम टेकिंग है और थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो उतना ही टाइम आपको और लगेगा, तो यानी आप क्वेश्चन पहले सबसे पहले देखो मैथ में क्या करना है उससे पहले ये पहचानो कि मुझे यदि पेपर टफ आ रहा है तो छोड़ना क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट ले रहे हो उसकी बजाय आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बना रहे हो और जो टाइम की वजह से बाद में छूट जाते हैं, तो इस पर आप काम कीजिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।